गर्मियों का मौसम है और ऑप्टिमल हेल्थ बनाए रखने के लिए बदलते मौसम के साथ हमारे डाइट को भी चेंज करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपने बॉडी को अंदर से कूल रख सके ड्यूरिंग समर्स। ऐसा ही एक वेजिटेबल है खीरा। ये न्यूट्रिशियस वेजिटेबल हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई और हाइड्रेट करता है। इसमें 96% वाटर होता है जो हमारे बॉडी से टॉक्सिंस और वेस्ट को निकालता है। इतना ही नहीं, और कई सारे बेनिफिट्स हैं इस मैजिकल वेजिटेबल के, लेकिन उन्हें जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको ऐसी हेल्थ और सेल्फ केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वैसे तो क्यूकम्बर ग्रीन कलर में बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, लेकिन क्यूकम्बर व्हाइट, येलो और ऑरेंज कलर्स में भी होता है। क्यूकम्बर की एक डिस्टिंक्ट माइल्ड टेस्ट और स्मेल होती है, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड होते हैं। और अगर आप क्यूकम्बर को स्किन के साथ खा रहे हो तो आप नोटिस करोगे इसमें एक हल्की सी बिटरनेस होगी। ये इसमें मौजूद क्यूकर्बिटासिन की वजह से होती है। क्यूकम्बर्स में 96% वाटर होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। खीरा एक रिच सोर्स है फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन के का। इनमें पैंटोथेनिक एसिड और मॉलिब्डेनम भी होते हैं। इतना ही नहीं, क्यूकम्बर्स में कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन सी, फॉस्फरस और विटामिन B1 भी होते हैं। क्योंकि खीरा में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इन्हें डेली कंज्यूम करने से हमारे बॉडी की डेली वाटर रिक्वायरमेंट को ऐड करता है और हमें हाइड्रेटेड रखता है। ये खासकर समर्स में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जबकि हम ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये एक कूलेंट की तरह भी काम करता है और हमें समर्स की गर्मी से बचाता है। खीरा और पुदीने से बना डिटॉक्स वाटर भी काफ़ी इफेक्टिवली हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है और हमें हाइड्रेटेड रखता है। खीरा एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम, मैग्नीशियम और डाइट्री फाइबर का। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं और इसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है। रिसर्च से ये भी प्रूव हुआ है कि एल्डरली लोग जो हाइपरटेंशन से परेशान है, उनका रेगुलरली खीरे का जूस पीने से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। खीरा हमारे पेट के लिए कूलेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर डाइजेशन को स्लो करने में मदद करता है। और क्योंकि क्यूकम्बर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है और आपके बोवल मूवमेंट को भी रेगुलर बनाए रखता है। खीरा ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिससे डायबिटीज मेलिटस की मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में भी मदद मिलती है। 100 ग्राम्स खीरा में 15.5 कैलोरीज होते हैं और इसमें 96% वाटर होता है। यही वजह है कि ये वेट लॉस में भी काफी हेल्पफुल होता है। खीरा एक बेहतरीन ब्यूटी एनहांसर है जो हमारी स्किन पे अमेजिंग इफेक्ट्स दिखाता है। खीरे का जूस स्किन पे लगाने से हमारी स्किन सॉफ्ट और ग्लोई होती है। खीरे की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स नेचुरली स्किन को लाइटन करती है और टैनिंग को कम करती है। ये चेहरे पे रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी कम करता है। इन दिनों लंबे समय तक स्क्रीन्स का एक्सपोजर ज्यादा हो गया है और ऐसे में आंखों का टायर्ड होना नॉर्मल सी बात हो गई है। अपने आंखों को रिलैक्स करने के लिए 10 मिनट तक खीरे के स्लाइसेस को अपनी आंखों पर रखें। इससे आंखों को आराम मिलता है और आंखों के आसपास जो पफिनेस होती है वो भी कम होती है। क्यूकम्बर में क्यूकर्बिटासिन होता है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, और इसमें फाइबर भी होता है जो हमें कोलोरेक्टल कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। क्यूकम्बर्स में सिलिका होता है जो एक्सेलेंट है हमारे हेयर और नेल्स के लिए, क्योंकि ये इन्हें स्ट्रेंथन करता है और टूटने से बचाता है। में मौजूद फाइटोकेमिकल्स ओरल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे बैड ब्रेथ होती है। ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स क्यूकम्बर के। अब जानते हैं इसके कुछ डाउनसाइड्स। वो लोग जो किडनी प्रॉब्लम से परेशान हैं, उन्हें ज्यादा क्यूकम्बर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उनके बॉडी में वाटर कंटेंट और पोटेशियम को बढ़ाता है, जो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। वो लोग जो ब्लड थिनर्स पर है, उन्हें भी ज्यादा क्यूकम्बर नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि इसमें विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को और मुश्किल कर सकता है। कुछ लोग क्यूकम्बर से एलर्जिक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्लोटिंग और फ्लॉटुलेंस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये थे खीरा के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स और इससे जुड़ी कुछ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, तो इसे एक लाइक करना ना भूले और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रीवा फूड्स को।